गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा करे हेयर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमें जिन बेसिक आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जल्दी से हम वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट पॉइंट यानी कि एक सिंपल डॉट। जब आप अपने पेन को नोटबुक पर पॉइंट करते हैं तो जो एक छोटा सा डॉट आता है वही पॉइंट, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, कोई विड्थ नहीं होती है, तो बस इसी को हम पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट को नेम कैसे दिया जाता है? जैसे आप सबका नाम है ना, वैसे इस पॉइंट का भी एक नाम होता है। इसे भी हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी। भले ये छोटा है लेकिन फिर भी हमें इसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, है ना। ये होता है पॉइंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम पॉइंट के बारे में समझ चुके हैं। सेकंड हम बात करते हैं, जब ये दो पॉइंट्स है ना, लेट्स से वी हैव वन पॉइंट हियर एंड वन पॉइंट हियर, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जॉइन कर देंगे कुछ इस तरह से, लेट्स से दिस पॉइंट हैज़ नेम ए एंड दिस पॉइंट इज बी, अगर मैंने ए और बी को जॉइन कर दिया तो अब जो ये एक लाइन हमें नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, राइट। सो दिस इज लाइन सेगमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट जो होती है उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट यानी कि पॉइंट ए जहाँ से शुरू होती है, एंड एक टर्मिनेटिंग पॉइंट जहाँ पर ये एंड होती है, वो पॉइंट भी होता है। दोनों पॉइंट डिफाइन होते हैं ए बी, तो हम इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी कि क्या हमारे सिलेबस में लाइन नाम की चीज़ नहीं होती है? बिल्कुल होती है। लाइन हम कहते हैं एक ऐसे लाइन सेगमेंट को जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है और इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है, इसे हम कहते हैं लाइन। लाइन दोनों तरफ एरो वाली होती है, इसे हम इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर है हमारा पॉइंट ए, यहाँ पर है पॉइंट बी। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो वो एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन अगर मैं लाइन की बात करूँ तो ये जो दोनों तरफ एरो है ना, इसी को हम लाइन कहते हैं। लाइन को हम छोटे लेटर से दिखा सकते हैं। लाइन का नाम हो सकता है एल, एल वन, टी, टी वन, एनीथिंग, ठीक है। ऐसे छोटे लेटर में एक लाइन का नाम हो सकता है। और लाइन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें दो पॉइंट मेंशन करने पड़े, हम एक पॉइंट से भी बता सकते हैं कि ये लाइन है, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है कुछ इस तरह से और इस पॉइंट, इस लाइन का नाम मैंने रखा एल, तो यस दिस इज़ राइट, हम ऐसा रख सकते हैं कि लाइन एल है, ठीक है। लाइन के बाद हम बात करते हैं रे के बारे में। अब ये रे कौन सा कॉन्सेप्ट है? रे जैसे एक सन रे होती है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इट हैज़ नो पॉइंट के कहाँ तक जा रही है, यानी इसके पास एक इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। एक तरफ डॉट से स्टार्ट हो रहा है यानी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एरो होता है, तो इसे हम कहते हैं रे। तो ये है रे, ठीक है। अब रे की भी नेमिंग करके देखते हैं। रे को भी आप एल, एम, जैसे हम लाइन की नेमिंग करते हैं सेम उसी तरह से कर सकते हैं, राइट। अब लाइन और रे के बाद हम थोड़ा सा आते हैं अपने एंगल वाले पार्ट पर। एंगल्स, यस। सो एंगल में हम पढ़ेंगे, अगर मेरे पास एक लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन, लेट्स से ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया ओ, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए। इसी ओ पर अगर मैंने कोई दूसरा पॉइंट ज्वाइन कर दिया जो इस तरह से था, एक दूसरा पॉइंट यहाँ था, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम है बी, तो आप ये ओपनिंग देख रहे हैं, एक ऐसी ओपनिंग जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अपने हैंड को इस तरह से, अपने थंब को ऊपर नीचे करके इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पार्ट कहलाता है कि कितना हिस्सा कितना ओपन हुआ है, ये कहलाता है एंगल। तो ये होता है एंगल, है ना। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एंगल की नेमिंग समझना, कि एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है। एंगल का नाम लिखेंगे आप ए ओ बी, तो एंगल क्या हो गया? एंगल ए ओ बी। कौन सा एंगल है भैया? ये एंगल है जो ओ पर बन रहा है, ओ पर एक एंगल बन रहा है, ये ए से स्टार्ट होता है, ओ पर बन रहा है और बी पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी का नाम अगर मैंने ऐसा लिखा, तो फिर अगर मेरे पास कोई ऐसा एंगल बना जिसमें ये वाला पॉइंट है एल, इस पॉइंट का नाम है एम और इस पॉइंट का नाम है एन, तो फिर हम इसका नाम कैसे रखेंगे? हमें ये वाला एंगल दिख रहा है ना,
जो एल एम और एन के बीच बन रहा है, तो इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल एल एम एन। क्लियर है? जिस पर एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हम बीच में लिखेंगे, और ये जो साइड्स हैं जो मिलकर एक एंगल को फॉर्म कर रही है वो आगे पीछे आएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया एंगल। एंगल के ये जो दो पार्ट्स हैं ना, यानी कि ये तो हमारा एंगल है, राइट? इन दो पार्ट्स को हम कहते हैं आर्म्स। ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है, ठीक है? तो ये था हमारा एंगल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लाइन और पॉइंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? चलिए कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स हम समझने जा रहे हैं, जिससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं एक एंगल कैसा होता है। एक एंगल यानी कि हम बात कर रहे हैं एक इस तरह के एंगल के बारे में, जिसमें हमारे पास एक ये पॉइंट होता है जिस पर एंगल बनता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, राइट? ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स। और ये दोनों क्या चीज़ है? ये इस एंगल की आर्म्स होती है, आर्म, भुजा, आप हिंदी में इसे कहते हैं भुजा। तो ये दोनों आर्म है, और जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, इस पॉइंट का नाम अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि एंगल ओ पर बन रहा है, एल ओ एम, ठीक है? अब बात करते हैं ये एंगल कितने टाइप के होते हैं। देखिए, ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। पहले 90 डिग्री पता हो कि कितना होता है एंगल। देखिए, जब आप डी देखेंगे ना, आपका इस तरह का है ना, इस डी पर सबसे ऊपर होता है 90। आप 90 से इस तरफ जाएंगे तो आपके एंगल्स कम होते जाएंगे, आप इस तरफ आएंगे तो एंगल्स बढ़ते चले जाएंगे। आप कह सकते हैं ये 0 है, 10 है, 20 है, एंड सो ऑन। बीच में आएगा एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ 90, और फिर हमारे एंगल यहाँ पर कुछ इस तरह से होते चले जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिस पर होगा 180। तो अब हम बात करते हैं हमारे इन्हीं एंगल्स के डायरेक्शंस के बारे में कि कैसे कैसे बनेंगे। जब कोई एंगल बिल्कुल सीधा बना होता है, कुछ इस तरह का एंगल, एकदम सीधा, और आपने देखा होगा कि कभी कभी इसके ऊपर एक बॉक्स भी बना होता है, इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। यही एंगल होता है 90 डिग्री का। कोई एंगल जो छोटा खुला होगा 90 डिग्री से, यानी कि इस तरह से अगर खुला होगा 90 डिग्री से, तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ये वाला एंगल कुछ इस तरह का एंगल, ये है ओ, ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट है एम, ठीक है? तो हम कह सकते हैं एल ओ एम, एंगल एल ओ एम इज एन एक्यूट एंगल। ये एक एक्यूट एंगल है, राइट? अब हम बात करते हैं फिर ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा खुलता है, जैसे कि आपका हैंड, आप अपने हैंड को अगर इस तरह से खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके फिंगर्स कुछ इस तरह से बनेगी ना, है ना? अब देखिए, ये एंगल हमारा 90 डिग्री से काफ़ी आगे तक खुला है, इसी टाइप के एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, है ना? ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़े होंगे, यानी कि अगर इसका नाम है ओ ए एंड बी, तो आप कहेंगे एंगल ए ओ बी। मुझे बताइए, इसका नाम ओ ए बी है कि ए ओ बी है? ओ पे बन रहे हैं ना एंगल, तो हम हमेशा ए ओ बी लिखेंगे। एंगल ए ओ बी की जो अगर हम चेक करें कि इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 90 से बड़ी आएगी, क्योंकि देखिए ना 90 से ज़्यादा खुल रही है एंगल। अब हम कहेंगे ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, और राइट एंगल हमने समझ लिया, अगर एक एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, नीचे बेस लाइन है, बेस लाइन यानी जिस पर हम डी रखकर एक एंगल ड्रॉ करते हैं, उस लाइन पर अगर कोई एंगल एकदम सीधा जा रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन इस 90 डिग्री के एंगल की कुछ स्पेशलिटीज़ होती है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 90 डिग्री का एंगल आप जब भी दिखाएंगे, हमेशा ऐसा बॉक्स बना देंगे एक छोटा सा, ये डिनोट करता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल, यस, यानी कि 90 डिग्री के एंगल का नाम राइट एंगल भी है। एक और नाम है इसका, जिसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये एक परपेंडिकुलर भी कहलाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ठीक है? ये सब हम आगे भी सीखेंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल याद रखिए कि अगर हमें 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, तो उसका नाम राइट एंगल भी है, उसका नाम परपेंडिकुलर भी है। 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि जब आप अपना हैंड खोलेंगे, इस तरह से आपका एंगल खुल रहा है, तो वो कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल खुल रहा है कुछ इस तरह से, तो ये देख रहे हैं ये ओपनिंग कम हो गई है, तो ये कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल।
आई होप ये आपको समझ आया। देखिए ये सब बिल्कुल बेसिक है जो ऑलरेडी हमने फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में सीख लिया है। इस बेसिक के रिविजन के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस क्लास के अकॉर्डिंग जो काम होना चाहिए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए।